जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एग्रीकल्चर डाटा। कौन सा? कृषि डाटा 2023, जो कि आपके UPPSC और ROARO दोनों का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 डाटा अभी नहीं आया है, 2023 का ही आया है। लेटेस्ट अपडेटेड डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपके थ्रू कराऊंगा, पूरा क्लास में ही हम लोग करेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्लास में ही हम लोग करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड इनिशिएटिव को लगातार आप फॉलो करके, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं एकदम, सिलेक्शन की तैयारी शुरुआत से कर सकते हैं, नोट्स, वीडियोज़, टेस्ट सीरीज सब कुछ जितना सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है करंट अफेयर्स के सपोर्ट के साथ आपको दिया जाता है। दोस्तों आप हमारे डाउट ग्रुप में हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे, हमारी टीम से, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके डाउट्स को भी क्लियर करते रहते हैं टाइम टाइम पर। तो सबसे पहले मैं सेब से बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट फ्रूट है, मुझे सेब बहुत पसंद है भाई, डेली एक सेब तो चाहिए भैया जिम करने के बाद, तो आई लव फ्रूट्स, वो भी स्पेशली एप्पल। तो एप्पल में आपको पता है ठंडी जगहों पर होता है, तो नंबर एक पे एप्पल में आता है कौन? जम्मू कश्मीर। सेब में आएगा जम्मू कश्मीर, भाई ठंडी जगह पे है। दूसरे पे हिमाचल प्रदेश आ जाता है आपका, तीसरे पे उत्तराखंड आ जाता है। ये लाइन से जो तीन लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सेब के लिए नंबर एक यहीं पे, नंबर एक दो तीन जो सबसे ज़्यादा होता है, और टॉप तीन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। और सबसे ज़्यादा अगर एरिया पूछ ले कि एरिया बताइए जो सेब की खेती के लिए सबसे ज़्यादा है, तो वही ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर का एरिया ज़्यादा है सेब में, ठीक है, तो वहाँ जम्मू कश्मीर आप बता दोगे, ठीक। अब फेवरेट की बात हुई तो अपना फेवरेट ही सब आज चलेगा। अब अरहर और तूर दाल देखते हैं, अरहर और तूर की दाल एक ही है, क्योंकि इसको अरहर और तूर दाल भी बोला जाता है, ये भी मेरी बहुत फेवरेट भी है, फेवरेट है मतलब सभी की होगी ऑलमोस्ट। तो इसमें नंबर एक पे आता है आपका महाराष्ट्र, अरहर की दाल में नंबर एक पे महाराष्ट्र आता है, दूसरे पे यहीं पे ऐसे ही इसके नीचे जस्ट कर्नाटका आ जाता है अरहर की दाल में, और तीसरे पे उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। कौन कौन है? महाराष्ट्र है नंबर एक पे, फिर कर्नाटक आ जाता है, कर्नाटक, और फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है अरहर या तूर दाल के प्रोडक्शन में। और एरिया वाइज पूछे कि एरिया की दृष्टि से देखें कि सबसे ज़्यादा एरिया अरहर और तूर दाल का कहाँ पे ये कवर करता है, तो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक। आई होप आपको ये दो चीज़ें याद हो गई कि सेब के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, अरहर और तूर दाल में महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ये दिख रहा है आपको महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्नाटक हो गया, ठीक है। अब तीसरा भैया सुपाड़ी, आप पान सुपाड़ी खाए होगे, अगर सुपाड़ी उपाड़ी भाई मैं नहीं खाता हूँ तो ये मेरे को नहीं पसंद है, पर पढ़ना तो है। अरेका नट सुपाड़ी में कौन है नंबर एक पे? तो नंबर एक पे अरेका नट या सुपाड़ी में आता है कर्नाटक, अरहर दाल में आप देखो कर्नाटक दूसरे पे, और यहाँ अरेका नट में पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे अरेका नट या सुपाड़ी में आता है आपका केरल। तो नंबर एक पे कर्नाटक है, दूसरे पे केरल है, और तीसरे में असम आ जाता है, तीसरे में असम आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पूछ ले एग्ज़ाम में तो आप बता सकते हो कर्नाटक, कर्नाटक, केरल और असम, ठीक है, ऐसे करके इसको नोट कर लो। अब ये याद हो गया हो, सेब, अरहर दाल, सुपाड़ी, तो मैं इन तीनों को हटा के अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब केले की बात करते हैं, बनाना की बात करते हैं, केले में कौन है भैया नंबर एक पे? तो केले में नंबर एक पे आता है आपका आंध्र प्रदेश। कौन आता है केले में? आंध्र प्रदेश। दूसरे में जस्ट इसके बगल वाला यही महाराष्ट्र आ जाता है दूसरे में, ठीक है। कौन आता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे केले में आता है गुजरात। कौन आ जाता है? गुजरात। तो नोट कर लीजिए आप ऐसे, यहाँ पे केले में है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका गुजरात, ठीक है। अब बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे में कौन आता है नंबर एक पे दोस्तों? तो बाजरे में नंबर एक पे आता है राजस्थान। कौन आता है? राजस्थान नंबर एक पे। दूसरे पे हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश आ जाता है बाजरे में, और तीसरे नंबर पे आ जाता है आपका हरियाणा। तीसरे पे कौन आ जाता है? हरियाणा। तो ये वाले राज्य आ जाते हैं बारले में, राजस्थान, फिर आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, ये आपका बाजरे के लिए हो गए। अब देखिए बाजरा और बारले हैं भाई भाई की तरह ना, तो ऐसे ही प्रोडक्शन में भी सेम है, राजस्थान यूपी सेम पे रहेंगे, राजस्थान यूपी, बस यह हरियाणा की जगह के आ जाएगा MP आ जाएगा, ठीक है।
बाजरा बार्ले याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बाजरा बार्ले नंबर एक पे राजस्थान यूपी है, एक दो पे, तीसरे पे बाजरे में हरियाणा है और बार्ले में एमपी है, और केले में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और फिर कर्नाटक जो है नंबर एक पे, ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, ब्लैक पेपर है ना, इसके लिए कर्नाटक हो जाएगा नंबर एक पे। कर्नाटक है ब्लैक पेपर, टॉप प्रोडक्शन कर्नाटक की रहेगी। और वेस्ट बंगाल की बात कर लें, वेस्ट बंगाल ब्रिंजल यानी बैगन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। ये एक एक आपको बस याद रखना है। ब्रिंजल के लिए सबसे ज़्यादा क्या है, वेस्ट बंगाल। ब्लैक पेपर के लिए क्या है, कर्नाटक यानी काली मिर्च, ठीक है। पर अब काजू की अगर बात करें भैया, कैश्यू सभी को पसंद होते हैं, तो जहाँ पे लाल मिट्टी टाइप की होती है वहाँ पे मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिल जाएगा काजू सबसे ज़्यादा। फिर दूसरा आंध्र प्रदेश आ जाता है दूसरे नंबर पे, तीसरे पे आपका उड़ीसा आ जाता है, ठीक है। काजू में कौन कौन है, काजू में आपका नंबर एक पे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और फिर उड़ीसा है, ठीक है। ये काजू के लिए आ जाते हैं, याद रखिएगा इसको। फिर अब कोको बीन्स की बात करें, अगर कोको बीन्स भैया चॉकलेट के लिए बहुत फेमस होती है ना कोको बीन्स, तो ये कहाँ पे होता है कोको बीन्स सबसे ज़्यादा, तो कोको बीन्स में भी नंबर एक पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है, आंध्र प्रदेश कोको बीन्स में, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। दूसरे पे केरल आ जाता है, केरल दूसरे पे क्या हो जाता है कोको बीन्स में, केरल हो जाता है। तीसरे नंबर पे वही कर्नाटक हो जाता है, ठीक है। तो लिख लीजिए, कोको बीन्स में आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ठीक है, ये कोको बीन्स के लिए हैं। और अब बात करते हैं कोकोनट की, तो कोकोनट का जो 2021-22 का डाटा है कि कहाँ पे कितना कोकोनट सबसे ज़्यादा हुआ, जो कि 23 में पब्लिश हुआ है, तो नंबर एक पे आता है आपका कर्नाटक, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कोकोनट प्रोडक्शन दिखेगा। उसके बाद तमिलनाडु, यही साउथ के ही हैं सब, और केरल, ठीक है। कौन कौन, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, सबसे ज़्यादा तो कोकोनट है वो यहीं से देखने को मिलता है, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। कोकोनट देश दुनिया में भी पूछ लेता है, तो दुनिया में भी अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे ज़्यादा कोकोनट इंडोनेशिया में होता है। कहाँ होता है, इंडोनेशिया में कोकोनट सबसे ज़्यादा होता है। फिर फिलीपींस में होता है, फिलीपींस राजधानी याद है ना, मनीला, जो लुजोन आइलैंड पे है। फिर इंडिया आता है तीसरे नंबर पे, ठीक है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया, अगर दुनिया में पूछ ले। और भारत में ही पूछता है तो आप क्या बताओगे, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। और अब कॉफ़ी की बात कर लें, अगर कॉफ़ी में कौन आता है नंबर एक पे, तो कॉफ़ी में नंबर एक पे आपका आ जाता है कौन, कर्नाटका। कॉफ़ी में कौन आता है नंबर एक पे, कर्नाटक, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन कर्नाटक में होता है। उसके बाद दूसरे पे केरल आता है, केरल दूसरे नंबर पे आ जाता है, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आ जाता है। तो साउथ में ही होगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये कॉफ़ी के लिए, और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये कोकोनट के लिए। कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, जब पूछेगा भैया कोकोनट बता दो, बता दो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। कॉफ़ी पूछेगा तो बता दो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। काजू के लिए महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। कोको बीन्स के लिए आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। दो से चार बार रिवाइज करोगे, लिख लिख के आराम से याद हो जाएगा। देखो जैसे पीछे का अगर आप भूल गए हो, तो मैं अगर रिवाइज कराऊं, अगर आपकी मेमोरी पावर तेज है, अरहर के लिए बताओ, तूर दाल के लिए, अरहर तूर दाल के लिए कौन था नंबर एक पे, मैंने क्या बताया था, महाराष्ट्र। दूसरे पे क्या बताया था, कर्नाटक। तीसरे पे क्या बताया था, उत्तर प्रदेश। अब अगर यही बात करते मैं केले का पूछ लूं, तो केले का नंबर एक पे आंध्र प्रदेश बताया था, दूसरे पे महाराष्ट्र बताया था, तीसरे पे गुजरात बताया था। तो याद रखो ये सब चीज़ें, नोट कर लो, दो से तीन बार रिवाइज करोगे याद रहेंगी चीज़ें, ठीक है। अब कॉटन की बात कर लें, अगर कपास की बात कर लें, तो सबसे ज़्यादा कॉटन आपको कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में नंबर एक पे देखने को मिलता है, उसके बाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, और तीसरा तेलंगाना में देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे कॉटन, गुजरात, महाराष्ट्र, भाई ब्लैक सॉइल यहीं पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो हो गया आपका, ठीक है, नोट कर लो इसको। गुजरात में कपास सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र में हो जाएगा, और फिर तेलंगाना में हो जाएगा, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। अब अंडे की अगर बात करें, अंडे में आपको कौन देखने को मिलेगा, अंडे में नंबर एक पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, कौन आता है, आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे आता है आपका तमिलनाडु, कौन आ जाता है दूसरे पे, तमिलनाडु। और तीसरे नंबर पे अंडे में आता है तेलंगाना, कौन आ जाता है, तेलंगाना, ठीक है। तो अंडे के लिए भी आप ये नोट कर लो, क्या नोट करना है, नंबर एक पे कौन है आपका, आंध्र प्रदेश, दूसरे पे तमिलनाडु, और तीसरे पे आपका तेलंगाना, ठीक है, ये अंडे के लिए हो जाएगा। अब दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ़िश का डाटा, कि मछली सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है। तो सबसे ज़्यादा मछली जो है वो भी आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। इनलैंड की बात करें, इनलैंड मतलब अंतर्देशी, इसके अंदर, मरीन मतलब पानी में, यहाँ समुद्र वगैरह में, इनलैंड मतलब जो अंदर ही वाटर बॉडीज होती हैं, रिवर वगैरह, उसकी बात कर रहा है, अंतर्देशी। आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और गुजरात आता है इनलैंड में। मरीन की बात करेंगे तो गुजरात आ जाएगा, और दूसरे पे तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ये आपको, महत्वपूर्ण है, क्योंकि
पहला वाला तो जरूर याद रखना कि मछलियाँ सबसे ज़्यादा इनलैंड या अंतर्देशीय पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में मिलती हैं, और मरीन यानी समुद्री पूछेगा आपसे तो वो आपका गुजरात है, ठीक है। अब भैया चना, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आपको पता होगा। तो चना एग्रीकल्चर डाटा 2023 के हिसाब से अगर देखें तो महाराष्ट्र नंबर एक पे आता है, दूसरे पे एमपी आता है, और तीसरे पे राजस्थान आता है चने के लिए, ठीक है। चने के लिए कौन है आपका? महाराष्ट्र है, फिर एमपी है, और फिर राजस्थान है। चने के लिए कौन है? महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान। महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, ठीक है। अब राइस की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइस या चावल। तो सबसे ज़्यादा आपको पता होगा राइस कहाँ पे होता है? राइस वेस्ट बंगाल में होता है भाई, मच्छी चावल वहाँ की फेवरेट डिश भी है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आ जाता है राइस में, और तीसरे नंबर पे आपका पंजाब आ जाता है, ठीक है। कौन कौन आ जाता है भाई, लिख लो यहाँ पे। राइस में नंबर एक पे कौन आता है? वेस्ट बंगाल। दूसरे पे यूपी, तीसरे पे पंजाब, ठीक है। वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब, राइस में कौन आता है? वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब। अब देखते हैं, देखिए अंगूर, मूंगफली, शहद और बागवानी, इसमें कौन आता है, ठीक है। तो अंगूर में देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र नंबर एक पे। अंगूर में कौन है? नंबर एक पे महाराष्ट्र आ जाता है। दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक आता है, दूसरे पे कौन आता है अंगूर में? कर्नाटक। और तीसरे में आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए भाई कि महाराष्ट्र नंबर एक पे, फिर कर्नाटक है आपका, कर्नाटका, और तीसरे पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। अब दूसरा मूंगफली की अगर ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट में नंबर एक में गुजरात आता है, दूसरे में राजस्थान आता है, तीसरे में तमिलनाडु आता है। कौन आता है? गुजरात आता है, राजस्थान आता है, आपका तमिलनाडु आता है। क्या आता है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ग्राउंडनट में। शहद की अगर बात कर ले, हनी की बात करें, तो हनी और शहद में नंबर एक पे यूपी आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है आपका? दूसरे नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है। और तीसरे नंबर पे आपका पंजाब आ जाता है। पंजाब कौन आता है? फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। और हॉर्टिकल्चर में भी वही सेम है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, बस तीसरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तीसरा यहाँ पंजाब की जगह एमपी आ जाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर या बागवानी में प्लांटेशन क्रॉप जैसे होती हैं, जैसे बागवानी नहीं होती, प्लांटेशन क्रॉप जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं। यूपी, वेस्ट बंगाल, एमपी ये नंबर एक पे आते हैं, मतलब एक दो तीन, ठीक है। अब बात करते हैं ज्वार की या सोरगम की। ज्वार और सोरगम की बात करें अगर, तो इसमें नंबर एक पे महाराष्ट्र आता है, ज्वार या सरगम में कौन आता है? महाराष्ट्र आ जाता है। दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक आता है, कर्नाटक। तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है, ठीक है, इसको याद रखिए। ज्वार में कौन है? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। जूट की बात करें तो जूट में आपको पता होगा दोस्तों सबसे ज़्यादा जूट यहीं होता था पश्चिम बंगाल में, तो नंबर एक पे पश्चिम बंगाल आता है जूट में, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? असम आता है, असम, इसी के पास ही लगता है भाई ऊपर ही, असम आ गया दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे बिहार आ जाता है जूट में, ठीक है। तभी यहाँ पे ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा खेती करते भी थे, तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम, ये रीज़न जूट का है पूरा, ठीक है। लीची की बात करते हैं, लीची में कौन आएगा? इसमें आपका नंबर एक पे बिहार आता है, दूसरे पे वेस्ट बंगाल, और तीसरे पे झारखंड आ जाता है, झारखंड। लीची में कौन आता है आपका? लीची में आता है आपका सबसे एक पे बिहार आ जाता है, दूसरे पे वेस्ट बंगाल आ जाता है, और तीसरे पे आपका झारखंड आ जाता है। ये एरिया लीची का है, और ये एरिया जूट का है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, लीची के लिए ये एरिया है पूरा, ये एरिया। अब मक्के की बात करें या मेज़ की बात करें, तो मेज़ में कर्नाटक आता है नंबर एक पे, कर्नाटका, एमपी आ जाता है, और फिर महाराष्ट्र आ जाता है। कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, मेज़ में कौन आ जाता है? कर्नाटक है, एमपी है, महाराष्ट्र, ये एरिया मक्का के लिए, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, ठीक है। आम के लिए कौन आएगा? तो आम नंबर एक पे सबसे ज़्यादा भाई उत्तर प्रदेश में ही होता है आम, ठीक। दूसरे पे आंध्र प्रदेश आता है, और तीसरे पे कर्नाटक आता है, कर्नाटका, यूपी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। अब मीट की बात करें या मांस की बात कर लें, ये भी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मांस में नंबर एक पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे यूपी है, तीसरे पे वेस्ट बंगाल है। कौन है? महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल। और अगेन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये एग्रीकल्चर डाटा 2023 है, आपको एक क्वेश्चन को ध्यान दे पढ़ना, पूछेगा नवीनतम कृषि डाटा 2023 के अनुसार मांस उत्पादन में कौन से शीर्ष तीन राज्य हैं, तो आप बताओगे महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल। अगर पूछ लेगा उत्तर प्रदेश बजट के हिसाब से उत्तर प्रदेश मांस उत्पादन में कौन से राज्य पे, अगर उसमें पहले पे होगा, दूसरे पे होगा, तीसरे पे, तो आपको वो बताना है, ठीक है, या पाँचवें पे। तो जिस रिपोर्ट के हिसाब से पूछेगा आपको उस रिपोर्ट के हिसाब से बताना है, ज्ञानबाजी ना करना सर यूपी तो मांस में एक पे है, यहाँ दो पे है, ऐसे नहीं। जिस डाटा के हिसाब से पूछेगा आपको वो याद करना है बस।
देखिए जैसे दूध का एग्जाम्पल ही लेते हैं, दूध का एग्जाम्पल अगर देखें तो दूध में पशुपालन सांख्यिकी, अगर आपको याद हो जो मैंने 2022 का डाटा आपको मैं आपके दूर कराया था, उसमें राजस्थान नंबर एक पे था, फिर यूपी है, फिर एमपी है दूध उत्पादन में। और यूपी बजट के हिसाब से अगर 2023-24 के देखें तो उसके अनुसार यूपी नंबर एक पे, तो इन दोनों में अंतर है भाई वो, क्योंकि डाटा बढ़ चुका है, ये 2022 का था। तो अगर आपको ये याद रखना है पशुपालन सांख्यिकी के अनुसार पूछेगा तो आप राजस्थान नंबर एक पे बताओगे, और बजट के अनुसार पूछेगा तो आप यूपी नंबर एक बजाओगे। और पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी क्या है, पर कैपिटा जो मिल्क अवेलेबिलिटी है याद है आपको, जो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता है वो मैंने आपको याद है मिल्क एनिमल हस्बेंड्री में कराई थी, 4-4-4 मतलब 444 ग्राम प्रतिदिन पर डे, ये पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है प्रति व्यक्ति, एक आदमी एक दिन में इतना दूध पीता है। ठीक है, अब देखिए गेहूं का आपको पता ही होगा गेहूं में कौन आता है नंबर एक पे, ये तो आई होप आप सभी को पता है नंबर एक पे कौन आता है गेहूं में, नंबर एक पे आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद पंजाब आता है। ठीक है, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये एग्रीकल्चर डाटा के अकॉर्डिंग है, यही आपको याद रखना है अगर पूछेगा एग्रीकल्चर डाटा के अकॉर्डिंग, यूपी एमपी पंजाब। ऊन के उत्पादन में बात करें तो राजस्थान नंबर एक पे आ जाता है, ऊन उत्पादन में राजस्थान आता है, फिर जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है, फिर तेलंगाना आ जाता है ऊन उत्पादन में, आपका कौन आ जाता है, राजस्थान जम्मू तेलंगाना, राजस्थान जम्मू तेलंगाना। और अगर दालों की बात करेगा टोटल जो पल्सेज होती हैं ओवरऑल की सबसे ज़्यादा दालें कहाँ होती हैं, तो नंबर एक पे एमपी आता है दालों के मामले में। ठीक है, आपको याद रखना दालें जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, एमपी में हो जाएगी, फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और फिर राजस्थान आएगा दालों के मामले में। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका, एमपी महाराष्ट्र राजस्थान, एमपी महाराष्ट्र राजस्थान। तिलहन या ऑयल शीट की अगर बात करी जाए तिलहन में कौन आएगा, ऑयल शीट में तो यहाँ पे राजस्थान हो जाता है नंबर एक पे, फिर एमपी आता है, और फिर गुजरात आता है। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, आपको मल्टीपल टाइम इसको याद करना ही पड़ेगा। फिर से एक बार देख लेते, तिलहन में राजस्थान है, वूल में भी राजस्थान है ना, दूसरे पे एमपी है, गुजरात है, दालों में एमपी नंबर एक है, फिर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, ऊन में राजस्थान जम्मू तेलंगाना आ जाता है, गेहूँ में यूपी एमपी पंजाब आ जाता है। ठीक है, अब देखिए टोबैको की अगर बात करें तो टोबैको में नंबर एक पे कौन आता है, गुजरात नंबर एक पे कौन आ जाता है तंबाकू में, गुजरात, दूसरे पे तंबाकू में आता है आंध्र प्रदेश, कौन आता है आंध्र प्रदेश आ जाता है, और तीसरे में आपका कर्नाटक आ जाता है। ठीक है, तो नोट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, टोबैको में यहाँ पे गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, और तीसरे में आपका कर्नाटक। ठीक है, ये हो गया टोबैको में। चाय में अगर आप बात करें भाई, चाय में बताइए तो नंबर एक असम की चाय सबसे ज़्यादा होती है असम में। ठीक है, नंबर एक पे कौन आ जाएगा चाय में, असम, दूसरे पे दार्जिलिंग वगैरह भाई वेस्ट बंगाल, और तीसरे में तमिलनाडु। चाय में कौन है, असम, वेस्ट बंगाल, और आपका तमिलनाडु, ये हो जाता है। गन्ने की बात करें, अगर गन्ने की बात करते हैं ये भी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गन्ने में आपको पता है उत्तर प्रदेश नंबर एक पे आता है, यूपी हो गया नंबर एक, दूसरे नंबर पे गन्ने में कौन आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र आ गया, तीसरे नंबर पे गन्ने में कौन आ जाएगा, कर्नाटक आता है, कर्नाटक। ठीक है, यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक, कौन आता है, यूपी महाराष्ट्र कर्नाटक आ जाता है। सोयाबीन की अगर बात करें, अब सोयाबीन में नंबर एक पे कौन आएगा, सोयाबीन में नंबर एक पे महाराष्ट्र आ जाएगा, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाता है, और तीसरे नंबर पे राजस्थान आ जाता है। कौन आ जाता है सोयाबीन में, महाराष्ट्र नंबर एक पे, फिर एमपी नंबर दो पे, फिर राजस्थान नंबर तीन पे, महाराष्ट्र एमपी राजस्थान, महाराष्ट्र एमपी राजस्थान। ठीक है, स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस में नंबर एक पे एमपी आता है, स्पाइसेस में कौन आता है नंबर एक पे, एमपी आ जाता है, और फिर राजस्थान आता है आपका, राजस्थान, और फिर आपका गुजरात आ जाता है। ठीक है, एमपी राजस्थान गुजरात मसाले के लिए, मसाले के लिए कौन है, एमपी राजस्थान गुजरात। सोयाबीन के लिए कौन है, महाराष्ट्र एमपी राजस्थान, महाराष्ट्र एमपी राजस्थान। गन्ने के लिए यूपी महाराष्ट्र कर्नाटका। चाय के लिए असम वेस्ट बंगाल तमिलनाडु। टोबैको के लिए गुजरात आंध्र प्रदेश कर्नाटका। अब देखिए रेशम अगर देखें तो चार तरह का रेशम है, और चारों को याद रखना है एग्जाम में क्योंकि बहुत पूछता है। एक तो सिल्क भाई, दूसरा मलबरी सिल्क, हिंदी में भी यही बोलते हैं मलबरी रेशम, तसार सिल्क या तसार रेशम जिसको बोलते हैं, फिर आता है आपका मूरा या मूंगा, माफ़ कीजिएगा, मूंगा सिल्क है ना, और चौथा है आपका एरी सिल्क। चौथा क्या है, एरी सिल्क। तो अगर सिर्फ रेशम की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेशम में सबसे ज़्यादा नंबर एक पे आता है सिल्क में ओवरऑल कर्नाटक, दूसरे पे आंध्र प्रदेश आ जाता है, और तीसरे पे असम आ जाता है। तो जब सिल्क की बात करेगा तो आप यहाँ पे नोट कर लोगे क्या, कर्नाटक, ठीक है, फिर कौन आ जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश, और तीसरे पे आपका असम आ जाएगा।
और जब आपका तसार सिल्क की बात करेगा, तसार सिल्क में बताइए कौन से तीन राज्य हैं, ये भी पूछता है। तो तसार सिल्क में आपको बताना होगा झारखंड, फिर आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा। तसार सिल्क यहीं आसपास हो जाता है, ये वाले रीज़न में है ना, ब्लैक कर दूंगा इसको। तो ये रीज़न यानी कौन कौन सा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये तसार सिल्क के लिए आपका हो जाएगा। और मलबरी सिल्क के लिए अगर पूछ लेगा, मलबरी सिल्क ये बताइए इसके तीन राज्य कौन से होंगे, तो आप बताओगे कर्नाटका, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मलबरी सिल्क में कौन है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मलबरी में कौन आता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। देखिए तीसरा जो आपको नोट करना है वो ये, क्या मलबरी सिल्क मैंने बताया आपको कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऐसे ही एरी सिल्क अगर देखोगे तो असम, मेघालय, नागालैंड। एरी सिल्क में कौन है नंबर एक पे, असम। मूंगा में कौन है नंबर एक पे, असम। दूसरे पे मेघालय, सेम है। तीसरे में बतिया अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, तीसरे में कौन आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो फिर से एक ओवरऑल बता दूँ, सिल्क पूछेगा तो सबसे ज़्यादा रेशम कर्नाटक में होता है, तसार सिल्क पूछेगा तो सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है, मलबरी रेशम सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, एरी रेशम असम में होता है, और मूंगा रेशम भी सबसे ज़्यादा असम में होता है। और पूरे भारत में ओवरऑल पूछ ले किसका होता है उत्पादन, तो सबसे ज़्यादा मलबरी सिल्क का उत्पादन होता है पूरे भारत में अगर पूछ ले। अभी अंतिम है दोस्तों, प्याज, अनानास, आलू, प्राकृतिक रबर, ठीक है, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। तो प्याज नंबर एक पे आता है आपका महाराष्ट्र, प्याज में कौन आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है नंबर एक पे। उसके बाद एमपी आ जाता है, एमपी आ जाता है, और तीसरे पे प्याज में कौन आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, कर्नाटका, कर्नाटका में काफ़ी चीज़ें हैं। तो महाराष्ट्र है, एमपी है, कर्नाटका, ये रीज़न प्याज के लिए हो गया आपका, ठीक है। अनानास की बात करें, पाइनएप्पल में बात करें, तो वेस्ट बंगाल में होता है पाइनएप्पल सबसे ज़्यादा, और असम में होता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल और असम में सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल देखने को मिलता है। आलू की बात कर लें अगर हम लोग, पोटैटो की बात करें, तो पता होगा आपको नंबर एक पे यूपी आता है, पोटैटो में कौन आता है, यूपी, फिर दूसरे में वेस्ट बंगाल आता है, फिर बिहार आ जाता है, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, पोटैटो में कौन है, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार आ जाता है। अब बचा हमारा नेचुरल रबर, तो रबर में नंबर एक पे केरल आता है, यहाँ पे केरल नंबर एक पे, केरल आ जाएगा नेचुरल रबर की बात करेंगे अगर। फिर त्रिपुरा आ जाता है, त्रिपुरा, त्रिपुरा, हिंदी इंग्लिश मर्ज हो गया, त्रिपुरा आ जाता है दोस्तों। और तीसरे नंबर पे आपका कर्नाटका आ जाता है, कर्नाटका, ठीक है, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। एक और अंतिम बता देता हूँ, रागी, क्योंकि एग्ज़ाम में रागी भी पूछ लेता है। रागी में नंबर एक पे कौन है, कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये रागी में हो गए। प्राकृतिक रबर में केरल, त्रिपुरा, कर्नाटका हो गया। आलू में यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया। अनानास में वेस्ट बंगाल, असम। प्याज में महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटका, ठीक है। तो बस ये था संपूर्ण एग्रीकल्चर डाटा जो आपको याद रखना है। इसी से आपको दो सवाल आराम से मिल जाएंगे करने के लिए, चाहे UPBSC हो, RO, ARO, मिसलेनियस का डाटा बस एक बचा है, खनिज डाटा, फिर ये ख़त्म होने वाला है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको मिसलेनियस का टेस्ट दूंगा, वो लगाइए। अभी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएंगे। मिसलेनियस के टेस्ट को प्लीज़ अटेम्प्ट करिए, सेक्शन वाइज को कितने नंबर आप ला पा रहे हैं जरा उसकी कोशिश करिए देख के। जो भी सब्जेक्ट आपका ख़त्म हो गया ना, उसके टेस्ट जरूर लगा के देखो कि क्या आपका वो सेगमेंट पूरा तैयार है, आप उसके सारे सवाल कर पा रहे हो या नहीं।